हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सीबीएसई ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने 9 से लेके 12 तक का सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। आज क्लास में हम देखेंगे कि 11 के मैथमेटिक्स में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो लीड हुए हैं। अभी जैसे कि 15 जुलाई के आसपास 10th का रिजल्ट आने वाला है। 10th के रिजल्ट आने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 11th में चलेंगे। जो बच्चे कॉमर्स और साइंस में जाएंगे वो मैथ्स चूज करते हैं, तो उनके जो मैथ्स के जो सिलेबस होगा उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो इस साल उनके मैथ्स के टॉपिक से डिलीट हो चुके हैं और कौन कौन टॉपिक है जो उन्हें इस बार पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक हैं जो 11th क्लास के मैथमेटिक्स से डिलीट हुए। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिलीटेड पोर्शन किसका, मैथमेटिक्स। इसका कोड क्या होता है 041 और ये क्लास कौन सी है, 11th क्लास की है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ कैटेगरी बना दिए। तो इसमें पहला है डिलीटेड पोर्शन कि कौन सा चैप्टर पूरा डिलीट हो गया, फिर कुछ चैप्टर वो है जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, उसमें नो डिलीशन हुआ है, और फिर वो चैप्टर है जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा डिलीटेड चैप्टर। तो कौन कौन से चैप्टर है जो पूरे के पूरे डिलीट हो गए इस साल 11th की मैथमेटिक्स से। तो सबसे पहला है चैप्टर 4, इसे कहते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें खाली एक ही एक्सरसाइज थी, तो ये जो पीएमआई था चैप्टर 4, ये इस साल डिलीट हो गया। इस साल इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसमें एक ही एक्सरसाइज थी खाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा आपका, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम कौन सा है, ये ए चैप्टर था, तो ये बाइनोमियल थ्योरम भी इस साल क्या होगी, डिलीट होगी है। तो इस साल ये चैप्टर नहीं आएगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था चैप्टर 8, बाइनोमियल थ्योरम। इसमें से थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे तो वो इस साल नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर जो 14 था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी इस साल डिलीट कर दिया। तो जो डिलीटेड चैप्टर है वो 3 चैप्टर है, चैप्टर 4, चैप्टर 8 और चैप्टर 14। अच्छा, अब है नो डिलीशन, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जैसे चैप्टर 6, चैप्टर 6 से आपका पहला है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें आप ग्राफ बनाते हो और उसमें हम शेड करते हैं ग्राफ को, तो इसमें ये चैप्टर 6 है, इसमें से कोई टॉपिक डिलीट नहीं करा आपका, तो ये पूरा चैप्टर आएगा आपका। ठीक है, चैप्टर 12, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे जैसे आप 10th में करते थे। इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 12 है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये इस साल इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चैप्टर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें 2 एक्सरसाइज थी और एक मिसलिनियस थी, तो एक में हम लिमिट पढ़ते थे, एक में हम डेरिवेटिव पढ़ते थे, और मिसलिनियस में हम खाली डेरिवेटिव्स पढ़ते थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उससे हम डेरिवेटिव निकालना सीखते थे। तो ये जो चैप्टर था 13, ये पूरा इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करा, ये पूरा का पूरा आएगा जैसे था पहले 11 वैसे ही आएगा इसमें, तो कोई टॉपिक इसमें डिलीट नहीं हुआ है। अब वो चैप्टर पढ़ते हैं जिस चैप्टर में से हमारे कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट हुआ, मतलब चैप्टर में डिलीट नहीं हुआ उसमें से खाली कुछ टॉपिक डिलीट हुए। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है सेट्स, ये हमारा 11th का पहला चैप्टर है सेट। अब सेट्स में क्या आता है, डिफरेंसेस ऑफ सेट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, तो उसमें एक आता है डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये डिलीट हो गया टॉपिक। और एक था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक हट गया है और जो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट थे वो भी हट गया है। अब ये कौन कौन सी एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, अब देखो एक्सरसाइज 1.4 में अगर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में जाओगे तो ये जो है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे इस बार। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट वाली तो पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5, तो क्योंकि वो पूरी कॉम्प्लीमेंट टॉपिक पे है तो पूरा कॉम्प्लीमेंट की एक्सरसाइज डिलीट हो गई। इस साल आपको एक्सरसाइज 1.5 से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो ये कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये चैप्टर 1 से ये दो टॉपिक डिलीट हुए हैं और जितने भी टॉपिक है वो सारे वैसे के वैसे हैं और उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट चैप्टर, आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, आर क्रॉस आर निकालते थे, ए क्रॉस ए निकालते थे। तो इसमें जो आर क्रॉस आर मतलब इसमें हम 3 सेट का प्रोडक्ट करके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो वो नहीं आएगा इस साल। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में और ये एग्जांपल इसमें, तो ये एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 4 है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो इस पे थे कि आपको एक सेट को 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एक और क्या नहीं आएगा, सम डिफरेंसेस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन। अब इसमें हम क्या करते थे, हमारे पास 2 फंक्शन होते थे, हम उनको ऐड करते थे, सेपरेट करते थे, प्रोडक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं, देखो अगर आप एग्जांपल नंबर 16 और 17 देखोगे ये इसी पे है, इस पे ही, और आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 ये किस पे, ये भी इसी पे है, सम ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस 16, 17 ये कौन से एग्जाम्पल है, और एक मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 जो नहीं आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 4, ये हुआ है सेकंड चैप्टर से डिलीट, मतलब इन टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उसमें से क्या क्या डिलीट करा है,
इसमें खाली एक ही टॉपिक डिलीट करा है, फॉर्म में कोई डिलीट नहीं करे। एक टॉपिक था जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन वाई इक्वल टू साइन ए, कॉस वाई इक्वल टू कॉस ए, टेन वाई इक्वल टू टेन ए, ये हमारा एक टॉपिक था। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। और ये कहां मिलेगा आपको, एक्सरसाइज 3.4, मतलब आपके इस साल थर्ड चैप्टर से एक्सरसाइज 3.4 पूरी की पूरी डिलीट होगी। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 3.1, 3.2 और 3.3 से आएगा, और जो मिसलेनियस से क्वेश्चन है उसमें से आएंगे। एक्सरसाइज 3.4 में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इस साल, किसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 4 में बता चुका हूं, चैप्टर 4 पहले ही आपका क्या हो चुका है, पूरा डिलीट हो चुका है, तो चैप्टर 4 तो हमारा आएगा ही नहीं। अब आता है चैप्टर 5, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में एक टॉपिक आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो लिखते हैं वही होती है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा सर। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो एक टॉपिक है, वो भी डिलीट हो गया। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट कहां मिलेंगे आपको, देखो पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जाओगे तो पोलर फॉर्म निकालने होते हैं सारे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए पोलर फॉर्म निकालने, तो वो नहीं आएगा इस बार। फिर एग्जांपल नंबर देखोगे आप 16, 7, 8, ये भी पोलर फॉर्म के, मतलब एग्जांपल नंबर 16, 7, 8 ये भी पोलर फॉर्म के। और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे किसके हैं, ये सारे पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता था कि इसको कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, तो इस साल वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, तो पोलर फॉर्म डिलीट कर दिया। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बट ये एक्सरसाइज में कहीं नहीं है, ये कहां मिलेगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेगा। सप्लीमेंट्री मटेरियल कहां होती है, जब आप 11th की नई बुक परचेस करोगे तो 11th की बुक पे जो लास्ट में जाओगे तो वहां पे सप्लीमेंट्री दी हुई है, कुछ कुछ चैप्टर की वहां पे सप्लीमेंट्री है, चैप्टर 3 के वहां सप्लीमेंट्री है, चैप्टर 5 की सप्लीमेंट्री, चैप्टर 9 की सप्लीमेंट्री है, तो वहां पे से जो टॉपिक है वो आते थे। तो इस साल जो उसे कहते थे एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि यहां तक एक्सरसाइज 5.3, तो एक्सरसाइज 5.4 जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में जाओगे पीछे लास्ट में जाओगे तो वहां पे है, वहां पे जाओगे सप्लीमेंट्री में, वहां पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो टॉपिक नहीं आएगा इस साल। तो ये दो टॉपिक फिफ्थ चैप्टर से आपका डिलीट हो गए इस साल। नेक्स्ट चैप्टर 7, क्योंकि 6 चैप्टर से कुछ डिलीट हो नहीं रहा, थोड़ा चैप्टर से कुछ डिलीट हो नहीं रहा, तो 7 चैप्टर आ गया आपका परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमोटेशन में से ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है, इसमें खाली लिखा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनपीआर ऑन एनसीआर, मतलब परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूला फॉर्मेशन था वो डिलीट हो गया, मतलब क्वेश्चन तो आएंगे आपके, इसमें बस ये फॉर्मूला बनाना जो था हम सिखाते थे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मेशन हटा है, क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें से कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, खाली ये डेरिवेशन वाला जो है फॉर्मूला ये डिलीट हुआ है, ठीक है। तो आपके कॉम्बिनेशन और प्रमोटेशन जो आती थी वो वैसे की वैसी आएगी इस साल, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया इसमें से। चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो भाई सीक्वेंस एंड सीरीज में आप डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस पढ़ते हो, फिर आप एपी पढ़ते हो जो आपने 10th क्लास से पढ़ी थी, इसके बाद आप जीपी पढ़ते हो, तो डिलीट क्या किया है इसमें, देखो फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सम के, के स्क्वायर, के क्यूब का सम। अब इसमें हम क्या करते थे, जो एक्सरसाइज थी हमारी 9.4, एक्सरसाइज 9.4, इसमें हम स्पेशल सम का यूज करते थे, तो जिसमें ये यूज करते थे वो एक्सरसाइज आपकी डिलीट होगी, तो ये एक्सरसाइज 9.4 आपकी डिलीट होगी। तो 9.1, 9.2, 9.3 और मिसलेनियस से आपके क्वेश्चन आएंगे, हाँ इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन हो रहे होंगे वो डिलीट हो गए होंगे, तो आपकी एक्सरसाइज 9.4 डिलीट होगी। तो यहां तक हमने क्या देखा, 9 चैप्टर तक देखे कि कौन कौन से टॉपिक है जो डिलीट हुए। चलिए अब देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक है जो डिलीट हुए। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 हमारा है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में से कौन कौन से टॉपिक है जो आपके डिलीट हुए हैं, तो एक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। अब ये जो दोनों जो टॉपिक डिलीट हुए हैं ये हमारी 10th की एक्सरसाइज से डिलीट नहीं हुए, ये कहां से डिलीट हुए, सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब वही जो बुक के एंड में जाओगे तो बुक के एंड में क्या मिलेगा आपको, सपोर्टिंग मटेरियल मिलेगा, तो सपोर्टिंग मटेरियल में ये दो टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ये वाला टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है ये शिफ्टिंग मटेरियल वाला डिलीट हुआ है, मतलब 10 चैप्टर की जो एक्सरसाइज पढ़ोगे बुक में जो एक्सरसाइज पढ़ोगे उसमें से आपको कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, तो ये हुआ है 10 चैप्टर से दो टॉपिक डिलीट जो आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से कुछ नहीं पढ़ना, आप खाली आपको 10th की एक्सरसाइज पढ़नी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। देखो कॉनिक सेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें ये जो टॉपिक जो डिलीट हुआ है ये टॉपिक इसमें है ही नहीं हमारी बुक में, ये टॉपिक पहले ही डिलीट हो चुका है, तो ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में अभी नहीं है, 11th की बुक में नहीं है, जिसमें क्या लिखा है, अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डीजनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो ये टॉपिक तो है नहीं, तो इसमें कोई क्वेश्चन आता ही नहीं आपका, तो ये आपका पहले ही डिलीट था, तो इसमें से कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जो आपका कॉनिक सेक्शन है जिसमें आपको पढ़ना है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, तो ये टॉपिक है जो आपको पढ़ने। चलिए
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 15, क्योंकि 14 चैप्टर आपका डेट हो गया है। अब 15 चैप्टर जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से क्या रिलेटिव है देखते हैं। तो देखो, इसमें एक टॉपिक था एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरियंस। इसे हम बोलते थे कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस, मतलब जहां पे हम एनालिसिस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस। अब कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस के जो क्वेश्चन आते थे वो दो तरह से आते थे, जब मीन इक्वल हो, जब मीन इक्वल ना हो। तो ये जो टॉपिक डिलीट हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें मीन इक्वल है बट वेरियंस कैसे है डिफरेंट, तो जिसमें इक्वल मीन वाला टॉपिक था वो डिलीट हुआ है। तो ये एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन है, मैं बता दूं कहां कहां पे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 15.3 में जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो डिलीट हो गया क्योंकि उसमें मीन इक्वल है, और एग्जांपल नंबर 13 डिलीट हुआ है। तो खाली दो ही क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इस 15 चैप्टर से, एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। और आपका लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या डिलीट हुआ है, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। तो यहाँ पे एक टॉपिक था जिसको हम सेट थ्योरी भी कहते हैं, तो ये डिलीट हुआ है। तो ये एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 9, तो खाली यही दो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और पूरी क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत इजी चैप्टर है तो इसमें ज्यादा टॉपिक डिलीट नहीं करें, खाली एक छोटा सा टॉपिक था वो एक्सरसाइज 16.3 का पहला क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 9 जो इस टॉपिक के ऊपर आता था वो डिलीट हुआ है। तो ये वो टॉपिक थे जो आपके चैप्टर से डिलीट हुए हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस करा, आज हमने डिस्कस करा कि 11th क्लास के मैथमेटिक्स में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करना, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि जब एग्जाम होंगे तब आप खाली उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे जो इस साल एग्जाम में आ रहे हैं, आप उन टॉपिक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिससे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिससे आप एग्जाम में टाइम बचे, जिससे आप अपनी रिवीजन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।